ही चल रहा है। कुछ देर पहले ही कुछ खाना खाया है, जो उसमें कुछ ऐसा था जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों को पता है कि वीगन क्या होता है? ओके, कोई एक एक बताओ मेरे को जिसको कॉन्फिडेंस है कि मुझे तो पता ही है वीगन क्या होता है, और जो हमसे पहली बार मिल रहा है। बिल्कुल, अच्छा। तो ये तो वीगन के में अंदर, पर वीगन होता क्या है? व्हाट इज़ वीगन अगर डिफाइन करना हो तो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी को कुछ नया बोलना है इसमें? यस, इट्स ओके, हैं? इट्स ओके नो? सो नॉलेज है आपको, आप लोग काफ़ी एजुकेटेड लोग हो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल, क्योंकि ये वीगनिज्म इज़ अ लाइक अ ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल लाइफस्टाइल, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। जस्ट लाइक हाउ यू आर वर्किंग ऑन ई वेस्ट, देर इज अ पैरेलल इंडस्ट्री वी वर्किंग ऑन वीगन इंडस्ट्री। आई विल टेल यू व्हाई बोथ आर कनेक्टेड इन सम वे। बट मुझे कोई बताओगे कि हुला डेक इन नाम का मतलब क्या है? हाँ, हंगरी, राइट? हुला डेक मतलब हंगरी, राइट? और आप लोग इस कंपनी में जो काम करते हो, तो क्या पर्पस, क्या है मिशन, क्या है करने का, क्या है मतलब, क्यों कर रहे हो ये काम? सेव द प्लैनेट, नाइस। सबका यही है कि सबका अलग अलग है? क्योंकि कर तो सब एक ही रहे हो, पर मिशन हो सकता है आपका अलग हो, किसी का कुछ और हो, किसी का कुछ और हो, किसी का कुछ और हो। बट डू यू एग्री कि सेव द प्लैनेट है कॉमन, नाइक? तो हमारा भी सेम ही है, दैट इज़ वेयर वी मीट, वी आर डूइंग। तो हम दोनों इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, हम लोग यहाँ 10 साल साथ में हम 10 साल से, 10 साल पहले हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब वी वर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ, तो इंजीनियर, बट इंडिया में क्या ना, पहले आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद समझो करना क्या होता है। तो हम भी वैसे ही थे, पर हमको इंजीनियरिंग करने के बाद भी पता नहीं चला कि हमको करना क्या है। तो हमको बोला गया जॉब तो करो, स्टार्ट तो करो, ख़त्म हो गया है। तो वी वेंट, आई वर्किंग इन आईटी कंपनी, और पहले दिन ही पता चल गया ये तो नहीं करना है, पहले दिन ही पता चल गया ये नहीं करना है। लेकिन 3 साल लगे ये समझने में कि अगर ये नहीं करना है तो क्या करना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमको पता नहीं ये नहीं करना है, प्रॉब्लम ये है कि हमको पता नहीं कि अगर ये नहीं करना तो क्या करना है। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स सही है ना सबके लिए? हैं, बांग्ला मुझे आती नहीं है बोलनी, समझ जाता हूँ मैं, तो आप लोग बोल सकते हो मुझसे बांग्ला में, हमें बांग्ला बूझते पारी भालो करी, किंतु जो भी बोलबो तो आप नहीं बूझते पार बनना हमारे बांग्ला, ठीक है जी? तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करूँगा मैं। तो जब मुझे समझ में आया पर्सनली कि मेरा जो लाइन होना चाहिए वो होना चाहिए नेचर इन्वायरमेंट के ऊपर, तो मैंने अपना आईटी जॉब छोड़ा और मैं इन्वायरमेंटलिस्ट बन निकला। और वहाँ पर मुझे मेरी मुलाकात हुई विकास से। हम दोनों ही पहले दिन, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ग्रीन पीस, किसी ने सुना है? हरी शांति, नॉट हरी मटर, हरी शांति, ग्रीन पीस। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज पे काम करती है वर्ल्ड वाइड। वहाँ पर हम दोनों इंटरव्यू देने आए हुए थे, हम दोनों बैठे हुए थे कि क्या हम लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या हम लोग को ले पाएंगे। वहाँ हमारी दोस्ती हुई और वो 9 साल हो गए, आज तक हम लोग ग्रीन पीस छोड़ चुके हैं, पर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लगा कि ये हमारा पर्सनल एक पैशन है, एक मिशन है, एम्बिशन है काम करना। लेकिन तरीका बदल गया है, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में घुसते हो ना, तो जो आपको पता होता है और जब आप उसमें चले जाते हो तो आपकी डिटेल और बढ़ जाती है, नॉलेज और बढ़ जाती है। तो नॉलेज इज़ समथिंग जो आप बंद नहीं कर सकते, आज सीखते रहते हो। तो हम लोग वीगन नहीं थे जब हमने ज्वाइन किया था, आप क्या थे? वेजिटेरियन थे। मैं नॉन वेजिटेरियन था। मेरा स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, मैं पैदा हुआ था वेजिटेरियन फैमिली में, और जब मेरी मतलब पहली एक किसी से लव स्टोरी हुई, वो बंगाली थी, तो लव स्टोरी का कंडीशन ही ये था कि ये आगे तब बढ़ेगी जब आप नॉनवेज खाओगे। पहला डेट भी इसका केएफसी में हुआ था। अब ये तो मेरे कपड़े खोलने लग जाएगा। सब मत बताओ। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरी लव स्टोरी बेस्ड थी नॉनवेज खाने पे, क्योंकि एक बंगाली से मेरा लफड़ा हो गया था और मैंने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे लिए फूड कभी भी रिलीजन नहीं था। मेरे लिए फूड था कि यार 3 टाइम खाना होता है, क्योंकि उसको खा के एनर्जी आ रही ताकि मैं कुछ और कर सकूँ लाइफ में। उसको बैठ के मैं पूरे दिन सोचता नहीं हूँ, ये मेरे पर्सनल है, लेकिन इन बंगाली कल्चर ये उल्टा है।
हम लोग फूड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। तो मैं ऐसा था तो मैंने खाना शुरू कर दिया नॉनवेज। देन उसके बाद मैंने अपना, तब मैं आईटी में था, फिर मैंने जब आईटी छोड़ी तो मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करने गया। फिर वहाँ पर मैंने स्टडी करना शुरू किया कि एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। प्लास्टिक है, फॉसिल फ्यूल है, ई वेस्ट है, बहुत सारे एरियाज हैं, राइट। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। दो साल तक मुझे ये नहीं पता था कि उसमें फूड का कोई रिलेशन है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि चिकन खाने से प्लैनेट की मौत हो रही है, तो कोई विल यू कनेक्ट कि चिकन खाने से प्लैनेट कैसे मर रहा है ना। इनफैक्ट बहुत लोग सोचते हैं कि चिकन खाने से प्लैनेट सही हो रहा है, बिकॉज हम चिकन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख रहे हैं। उल्टा नहीं है ऐसा, लेकिन एक्चुअली में वही है। तो जब मुझे पता चला ये स्टडी, तो मैंने क्या सोचा, ये किसी वेजिटेरियन ने या किसी ने ना ज़बरदस्ती लिखा है स्टडी बैठ के। होता है ना लोगों को अपने अपने कि भाई ये सही है ये गलत है, तो मेरे अंदर दिमाग में चल रहा था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही है और जो मैं पढ़ रहा हूँ गलत है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि मैं एनवायरमेंटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। और जब मुझे बोला गया था कि इसमें ए बी सी डी कॉज हैं, तो मैं इग्नोर नहीं कर पाया। मैंने कहा चलो इसको डीप करते हैं, स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में है क्या। और ऑलमोस्ट 3 महीने तक मैंने स्टडीज़ करी। मैं तो उस समय 2015 की बात है, तो मैं 7 साल से वीगन हूँ। जितना वीगन आज पॉपुलर है उतना 7 साल पहले पॉपुलर नहीं था। मैं बैंगलोर में था तब, और जब मैं वीगन बना तो मुझे लगा कि पूरे बैंगलोर में मैं अकेला वीगन हूँ। और बात ज़्यादा झूठ नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 वीगन और मिले अगले 2 महीने में। इतना कम था वहाँ पे पूरे बैंगलोर सिटी में। तो रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं था। पर मैं बहुत डीप तक गया, मैं टॉरेंट में जा के मैंने ऐसे ऐसे शॉर्ट फिल्म निकाले जहाँ पर ऐसी चीज़ें बताई गई थी साइंटिस्ट द्वारा कि क्या 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 हो रहा है। और उसके बाद मैं शायद 2-3 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आगे बाहर कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि सही कैसे हो सकती है। अगर ये सही है तो मैं इन्वायरमेंटलिस्ट होके कैसे, मुझे पता नहीं है। और अगर मुझे पता नहीं है तो दुनिया को कैसे पता होगा ये, क्योंकि मैं तो इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मुझे तो पहले पता होना चाहिए। तो आई वॉज शॉक 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 आई विल शेयर सम ऑफ देम विद यू इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो फिर एनीवेज, अब जब एक इन्फॉर्मेशन माइंड में आती है ना, हमारा माइंड एक बहुत ब्यूटीफुल एंटिटी है, वो किसी चीज़ को ना इग्नोर कर नहीं पाता है। भले ही आप उस समय बोलो कह रहे नहीं करना है, पर वो इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है और फिर धीरे 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 वो आपके अंदर काम करने लग जाती है। जैसे कि कोई सुबह आपका बोल देना कि सुबह उठते ही अगर आप सूरज में 5 मिनट बैठो तो आपको एनर्जी मिलेगी। आप करते नहीं होगे, आलस भले आता होगा, पर आपके दिमाग में बढ़ जाएगा ना, तो आप ट्राई करोगे शायद मैं चलो महीने में एक बार तो बैठूं, है ना। योर माइंड विल ट्राई, क्योंकि बैठ गया ना दिमाग, अच्छी चीज़ होती है तो बैठ जाओगे। तो मेरे दिमाग बैठ गया, अब लड़ाई हो रही है टेस्ट बर्ड में और दिमाग में। टेस्ट को अच्छा लग रहा है, चिकन खाना, आइसक्रीम खाना, चीज़ खाना, पनीर खाना, दूध खाना, फिश खाना, पर दिमाग बोल रहा है कि ये गलत है। तो लड़ाई हो रही थी, तो 3 महीने लड़ाई चली। और लड़ाई एक एक करके मैं जीत रहा था, लेकिन लड़ाई कहाँ अटक गई पता है मेरे लिए? गुलाब जामुन पे। गुलाब जामुन की एक स्टोरी है कि मैं जब शायद 5 साल का था, तो मेरे मामा जी, मेरे मैटरनल अंकल, वो मेरे लिए हमेशा गुलाब जामुन लेके आते थे। तो मैं आई वॉज लाइक गुलाब जामुन बॉय एट 5 ईयर ओल्ड। एक दिन वो लेके नहीं आए, काम कुछ भूल गए होंगे, तो मैंने वहाँ पर पूरा मचा दिया कि गुलाब जामुन कहाँ है मामा जी। तो गुस्से में तो उन्होंने बोला एक काम करो बेटा, चिली मिर्ची खा लो आज तुम, और जितनी तुम मिर्ची खाओगे उतनी ही मैं गुलाब जामुन तुम्हारे लेके आऊँगा। तो मैं 5 मिर्चियाँ खा गया गुलाब जामुन खाने के लिए, इतना पागल था मैं गुलाब जामुन को लेकर, और वो मेरा छूट नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, तो मैंने उस इन्फॉर्मेशन को बार बार कॉन्स्टेंटली पढ़ा, समझा, जाना, ताकि मेरा गुलाब जामुन का एडिक्शन ना जीते, मेरा माइंड जीते। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारा माइंड हार रहा है ना, तो कोई मीनिंग नहीं हमारे पास, क्योंकि वी आर इंटेलिजेंट स्पीसीज। तो अब इंटेलिजेंस इज हेयर नॉट हेयर, तो इट शुड विन, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कॉन्स्टेंटली इनपुट दे रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहे हो। क्योंकि हम बहुत स्मार्ट होते हैं, हम कभी कोई दिमाग को देते इग्नोर कर दो, छोड़ दो, ये इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन इग्नोरेंस इज ब्लिस की वजह से ही आज आप ये हुडला लग चला रहे हो। अगर इग्नोरेंस अगर ब्लिस नहीं होता ना, तो हुलाडक जैसे ऑर्गेनाइजेशन की या वर्ल्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती, ई वेस्ट ही नहीं होता, दुनिया मरी नहीं रही होती, हम क्यों बचाने के लिए बैठे, हम कुछ और अच्छा काम कर रहे होते यार जाके, बेचारा फालतू में दुनिया बचानी पड़ रही जाके। तो इट्स अ इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, एटलीस्ट नाउ इन द करंट फॉर्म। तो जब मुझे पता चला ये सब चीज़ें, तो फिर फाइनली 3-4 महीने बाद मैंने कहा एक दिन यार ये काम करता हूँ, किसी चीज़ से अगर आदत छुड़ानी है ना, तो इतना खा लो कि चिड़ हो जाए उससे। तो मैं एक शॉप में गया, फेवरेट शॉप में, मैंने बोला दे जाओ गुलाब जामुन, खा गया 7-8 खा गया होगा। उसके बाद मुंह में ऐसा हो गया अभी उल्टी हो जाएगी, अब नहीं खाना आज से बंद, ऐसा जाके मैंने निकाला उसको अपने सिस्टम से।
सात साल हो गया है, और सात साल से मैंने और इसने, तुम्हें कितने साल हो गए? सात साल से, ऑलमोस्ट सात साल हो गए। तो सात साल से मैंने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है। मतलब डॉक्टर कहाँ है, कोई मुझसे पूछता है ना भैया इधर के आसपास मेडिकल स्टोर है क्या, मैं गूगल कर लो, मेरे को नहीं पता। मुझे पता ही मेडिकल स्टोर क्या होता है, दवाई नहीं ली मैंने सात साल से। कोई डॉक्टर की दुकान है क्या, मैं गूगल कर लो, मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ भी सही हुआ है? तो मतलब सात साल से, मतलब ये हमको पता नहीं था कि वीगन होने के फायदे होते हैं। ये हम तो वीगन बन गए थे फॉर इन्वायरमेंटल रीजंस एंड सम रीजंस, पर सात साल हो गया यार अस्पताल नहीं देखा हमने। तो मतलब हमें लगा कि यार ये तो एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो आपको कोई चीज़ गिव अप नहीं कर रहे हो आप रिसीव, मतलब आपको और अच्छा बना रही है। रही बात वो लव स्टोरी की, तो जो वो लड़की उसका नाम श्रेया है। श्रेया बहुत कॉमन है बंगाली में, तो इट्स ओके। आपका नाम भी श्रेया है, ओके। तो वो जब मैं वीगन बन गया, हम दोनों डेट कर रहे थे तब भी, तो एक पोजीशन आ गया था कि अभी ये रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि बंगाली वीगन कैसे डेट करेगी। उसने इतनी मेहनत से बनाया उसको नॉन वेजिटेरियन, अभी वीगन बन गया वो। पर एनी वेज शी वॉज वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, लकीली बंगालीज आर ओपन माइंडेड ऑल्सो इन जनरल। तो मैंने उसको बोला कि यार देखो एक चीज़ समझो, मेरा हेल्थ नहीं ख़राब हो रहा है, ये सोचो इस बारे में सोचो। इन्वायरमेंट तो उसको इन्वायरमेंट का लेना नहीं था, बिकॉज शी वॉज मोर इनटू योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल, सुबह उठ के नींबू पानी पीना है गर्म करके, डिनर जल्दी कर लेना है, ये सब था। हाँ चिकन खा रहे थे, फिश खा रहे थे, पर थोड़ा हेल्दी स्टाइल में। तो मैंने उसको बोला कि यार हेल्थ का एंगल समझो, और ये मैंने उसको एक डॉक्यूमेंट्री दी जिसका नाम है व्हाट द हेल्थ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद रहेगा, नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी आपको ये, व्हाट द हेल्थ। तो वो मैंने डॉक्यूमेंट्री दिखाई उसको, हाँ हो रहा है, हाँ बस देखते रहिएगा, थैंक यू सो मच। तो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री उसको दिखाई, अब उसका दिमाग खराब, इन्फॉर्मेशन चली गई दिमाग में, अब बंगाली लड़ रहा है, यहाँ का बंगाली और यहाँ का इंटेलिजेंट ह्यूमन आपस में लड़ रहा है। तो शी टुक हर ओन जर्नी 6 मंथ्स, वो भी वीगन बन गई, ठीक है। नाउ आज आप लोगों ने क्या खाया वैसे, बिरयानी खाई ना, कौन सी बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी या पनीर टिक्का बिरयानी, कैसा लगा, मतलब हाउ वाज इट, बिरयानी जैसा था या कुछ बहुत ही अलग था? अलग था, क्या अलग था बताओ। हाँ सॉफ्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन खाने में अच्छा लगा या खाने में बहुत बुरा था? खाने में अच्छा था ना, अभी ऑब्वियसली ये पनीर नहीं था, तो पनीर का कंपैरिजन पनीर से करो तो ठीक है, पनीर तो नहीं था ये, बट अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको पनीर टिक्का बिरयानी की जगह ये वाली बिरयानी खानी पड़े लाइफ टाइम, तो कितना प्रॉब्लम होने वाला आपको, बहुत प्रॉब्लम होगा या फिर मैनेज कर लोगे? पनीर की जगह ये वाली बिरयानी खानी आपसे, हो सकता है किसी को एडिक्शन हो, किसी को हो सकता है, बट ये जो बिरयानी है, ये बिरयानी श्रेया ने क्रिएट करी है। श्रेया इज़ अ पर्सन जो वीगन बनने के बाद उसने अपना दुनिया का बंगाली का जो एक कुकिंग स्किल होता है उसने डेडिकेट किया कि आई विल वीगनाइज एवरी डिश स्पेशली बंगाली वॉन्ट्स टू ईट। तो उसने अन मटन बिरयानी, हमारी एक कैफ़े में बनती है मटन बिरयानी का, अन मटन बिरयानी है जो काफ़ी मटन के क्लोज है, चिकन टिक्का आपने खाई, पनीर टिक्का आपने खाई, फ़िश फ्राई है हमारे, तो आपको फ़िश फ्राई, आपको कौशा मांगशो, आपको चिली चिंगड़ी मलाई करी, मैं तो जो भाव बोल रहा हूँ ना मुँह पानी आ रहा होगा, ये सब मिलता है हमारे कैफे में, विच इज़ क्रिएटेड बाई दैट गर्ल, उसका नाम है श्रेया। तो एज अ बंगाली उसने अपने खाने के पैशन को नहीं छोड़ा, एज अ बंगाली शी डिडंट लीव कि यार अब वीगन बन गए तो अब क्या खाएंगे, घास फूस खाएंगे, नहीं नहीं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना वीगन में क्या खाते, सलाद खाते हैं लोग हैं। तो उसने क्या किया, उसने बोला नहीं वीगन हो गया तो क्या हुआ, फूड इज़ एन आर्ट, राइट, तो उस आर्ट को शो करो। एक बंगाली एक आर्टिस्ट होता है जो व्हेन इट कम्स टू फूड, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग, तो शी वाज आर्टिस्ट ऑफ अ फूड, उसने डिज़ाइन किया, उसने काम किया जाके, एंड नाउ वी आर 4.7 स्टार इन 3 ईयर्स ऑफ आवर कैफे। 90% पीपल आर बंगालीज हु आर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वीगन कितने हैं कलकत्ता में, तो पीपल आर लविंग द फूड, पीपल आर सेइंग कि अगर यही फूड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं वीगन फूड खाने में, बिकॉज वीगन फूड अगर यही होता है, बिरयानी जैसा होता है, कौशा मांसू जैसा होता है, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि क्यों बनना है वीगन, पहले ये था कि सुनने ही नहीं मुझे, क्योंकि वीगन बनने का फायदा क्या होगा, अगर मैं सलाद खाना होगा, आई कॉन्ट गो टू सैलड, आई कॉन्ट गो टू सूप्स, आई कॉन्ट गो टू जस्ट दाल एंड सब्जी एंड द भात,
दैट इज नॉट व्हाट आई कैन गो, जो भी होगा वी कैन भाड़ में गया, बट आई कांट शिफ्ट माई सेल्फ, बट नाउ व्हेन दे नो कि ये मिल सकता है तो अब बताओ वीगन क्या है। तो वही हमने आज स्ट्रेटजी करी, पहले आपको खाना खिलाया और अब बताएंगे वीगन क्या होता है, ताकि आपको पता चले कि वीगन खाने का मतलब ये नहीं सलाद, वीगन खाने का मतलब ये नहीं यू कैन एंजॉय योर फिश फ्राई, यू कैन एंजॉय कौशा मांस, एवरीथिंग यू कैन एंजॉय, बट व्हाई यू हैव टू शिफ्ट टू दैट, जरूरत ही क्यों है जाने की। मैं नॉर्मल मटन खा लूँगा, नॉर्मल चिकन खा लूँगा, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें बोली कि एंड वीगन्स आर दोज हु डू नॉट वॉन्ट टू हार्म एनिमल्स और समथिंग लाइक दैट, राइट? बिल्कुल सही डिफिनेशन बोली। बस वीगन का डिफिनेशन अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊँगा वो ये है कि लिविंग योर लाइफ विदाउट हार्मिंग अनदर लाइफ, ठीक है, ये डिफिनेशन है, दैट यू लिव योर लाइफ विदाउट हार्मिंग अनदर लाइफ। ना अब मैं बोलूँ ये, अगर मैं ये लाइन बिना वीगन का हटा दो, अगर मैं यहाँ रूम में बोलूँ कि इज इट गुड टू लिव अ लाइफ विदाउट हार्मिंग अनदर लाइफ, इज इट गुड और बैड? लाइक हु डजंट वॉन्ट कि यार मेरी लाइफ किसी बिना को हार्म करे हो, कौन बोलता नहीं, मैं तो हार्म करके जीऊँगा। देर आर सम पीपल, बट मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन्स डू नॉट वॉन्ट टू हार्म एनी बडी नोइंगली, नहीं मैं जान के हार्म करने जा रहा हूँ, है ना। तो वीगनिज्म इज न्यू टर्म, बट द फिलोसफी इज द ओल्डेस्ट इन ऑल द रिलीजन। ऑल द रिलीजन में आपको मिलेगा अहिंसा करके टर्म, राइट? आप मंदिरों में जाओगे लिखा होगा अहिंसा परमो धर्मा, जैन में मिलेगा, हिंदू में मिलेगा, मुस्लिम, इस्लाम का मतलब ही होता है पीस। इस्लाम का डेफिनेशन का मतलब होता है पीस, पीस मतलब नो हार्म टू एनीबॉडी, राइट? पीस का मतलब। तो ईच रिलीजन इन द वर्ल्ड सेज द सेम लाइन, लिविंग योर लाइफ विदाउट हार्मिंग अनदर लाइफ। वीगन उसको टर्म दिया गया क्योंकि लोग वो लाइन भूल गए थे, लोग वो लाइन प्रैक्टिस में भूल गए थे, थ्योरी में था। Everybody still wants to live without harming, and I'll give you an example of that. मैं एक बार before that, why people go vegan? तो there are three reasons why people go vegan. If I have to use Venn diagram for engineers, तो number one is environment, number two is health, and number three is compassion. Love for all species. इन तीनों का ये जो मिक्सर होता है ना, इसको वीगन कह सकते हो आप, और भी कुछ कह सकते हो, मतलब अ लाइफ स्टाइल जिसमें आप इन्वायरमेंट भी सेव कर रहे हो, जिसमें आप हेल्थ भी सेव कर रहे हो, और जिसमें आप दूसरों के कंपैशनेट भी, वो वीगन है। और लोग इन तीनों में से कोई भी एक वजह से शुरू करते हैं जर्नी, जैसे कि मेरी जर्नी मैंने बताई यहाँ शुरू हुई थी। आई बिकेम वीगन फॉर इन्वायरमेंट, ही बिकेम वीगन फॉर इन्वायरमेंट, लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि हेल्थ भी बेनिफिट मिल गया और कंपैशन तो अपने आ ही गया धीरे धीरे, क्योंकि आप जब नहीं हार्म करते हैं तो अब थोड़ा सा अंदर से कंपैशन आ गया उनके लिए। लेकिन ज़्यादातर जो वीगन बनते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, वो देखा गया है इसकी वजह से और इसकी वजह से बनते हैं। ये एक डेटा है कि ज़्यादातर लोग, क्योंकि अभी अगर देखो वर्ल्ड में स्पेशली जब कोविड देखा होगा आपने, सब देखा होगा, हेल्थ की क्राइसिस चल रही है, लाइक अस्पताल लाइन लगा हुआ है, भरा हुआ है, बेड्स नहीं है लोगों के लिए, कैंसर इंडिया भी राइट नाउ वर्ल्ड में डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है, वी आर डायबिटीज़ कैपिटल, और डायबिटीज़ कैपिटल के अंदर जो डायबिटीज़ कैपिटल है वो कलकत्ता है, ठीक है। तो हम डायबिटीज़ कैपिटल में बैठे हुए हैं, अगर आप अपने आसपास काकी काकू पापा मम्मी देखोगे तो आपको डायबिटीज़ पेशेंट आराम से मिल जाएंगे, लेकिन इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि लोग होता है ये तो होना ही मेरे को, लोग ऑलरेडी बोल रहे होते हैं कि मेरे तो 40 साल होते थे डायबिटीज़, मेरे को हो ही नहीं रहना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को था या मेरे किसी को था। तो डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन इन दिस स्टेट, कोई डाउट हो तो पूछ लेगा मेरे से, मतलब अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछेगा मेरे से कि मैं अग्री नहीं करता हूँ, मुझे अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि यही डिस्कशन है। मैं कोई यहाँ पर आपको ये बोल रहा हूँ कि यही सही है, अगर आपको लगता है नहीं इसमें गलत है सही, ये तो इसमें कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर विद मी। बट वी आर राइट नाउ सिटिंग ऑन डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नाउ द थिंग इज़ कि आपको, हम यहाँ पर ये बताने नहीं है कि भैया आपको तो वीगन बनना पड़ेगा, दैट्स नॉट अ पॉइंट। पॉइंट ये अंडरस्टैंड कि व्हाई पीपल आर गोइंग वीगन, Why world is shifting towards vegan? और अगर आपको कहीं इसमें कनेक्शन मिले तो start researching on that particular area, कि मेरे को environment में interest है, I want to know how environment is connected to this, I will search it. If I find it convincing, I'll go and do it. Though no convincing, I won't do it. So intention of this is not to make you vegan, but to let you know why people go vegan and why the world is shifting towards veganism, for what purpose. That is the intention. Now if I have to talk about, now अगर मैं समझूँ, क्योंकि लोगों ने यहाँ बोला था कि हुला डेक काम करता है टू सेव द प्लैनेट, मतलब इस कैटेगरी में कहीं आता है ना, बट अगर मैं बोलूँ कि इस रूम में किस 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 के लिए सबसे ज़्यादा
ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बिकॉज नॉट फॉर एवरी वन, नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? फॉर लॉट ऑफ पीपल हेल्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे वॉन्ट कि भाई हम खाएंगे पिएंगे अच्छे से रहेंगे, गया भाड़ में हेल्थ, बाद में जब दवाई होगी देखा जाएगा, बट लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन एनवायरनमेंट। सब पीपल से नहीं, मुझे हेल्दी बनना है भले एनवायरनमेंट खराब हो, सब पीपल से भले एनवायरनमेंट खराब हो बट आई विल बी अ कंपैशनेट, मैं बाहर जाऊँगा, कुत्तों को खाना खिलाऊंगा, दवा कराऊंगा, अस्पताल लेके जाऊंगा, सब कराऊंगा, दिस इज माई मेन थिंग, ठीक है? तो मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट कितने लोगों के लिए, इन तीनों में सबसे ज़्यादा, मतलब नंबर वन पे हाथ खड़ा करो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है, चलेगा, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ ठीक, वो मैं बाद में एडिट कर लूँगा। हेल्थ, अच्छा हेल्थ एक चीज़ होती है कि हम लोग, हेल्थ क्या है अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली व्हेन योर बॉडी फील्स एंड माइंड फील्स नो ट्रबल एंड आप सुबह उठे हो तो आप एनर्जेटिक हो, है ना? अगर आप सुबह उठते ही आपका एनर्जी लेवल ठीक है कि मैं काम पे जाऊँ, मैं काम करूँ, तो आप हेल्दी हो, और अगर आपकी एनर्जी लेवल नहीं ठीक है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आपकी नींद प्रॉपर होती है तो आप हेल्दी हो, अगर आपकी नींद नहीं हो पा रही है, आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही, एक तो वजह है मोबाइल से नींद नहीं आती लोगों को, तो मोबाइल इज़ अ डिफरेंट रीज़न एट ऑल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, मोबाइल रख दिया उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है, पसीना आ रहा है, खाना भूख लग रही है किसी को, या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नींद बहुत अच्छी कैटेगरी होती है समझने के लिए हेल्दी है या नहीं है, और जब दिन की जो एनर्जी है वो समझने के लिए होता है कि हेल्दी है या नहीं है। और हेल्थ कहाँ से आता है, मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ आता है आपके फूड से, क्योंकि वो आपका इनपुट है, राइट? अगर हम सोचें कि ये आप हो, आपका इनपुट क्या है, फूड मेन इनपुट, वैसे तो इनपुट सारे होते हैं, आप जो देख रहे हो वो भी इनपुट है, आप जो सुन रहे हो वो भी इनपुट है, लेकिन जो मेन है जो कन्वर्ट होगा एनर्जी में वो फूड है, फूड आया और आपने आउटपुट में फॉर्म में अपना काम किया। ना फूड में स्कूल में पढ़ाया था फूड पिरामिड, राइट? कि ये फूड पिरामिड है जिसमें आपको ये प्रोटीन्स हैं, ये आयरन्स हैं, यहाँ पर ये हैं, यहाँ पल्सेस हैं, यहाँ वेजिटेबल है, यहाँ मीट है, यहाँ डेयरी है, यहाँ सब कुछ डाला जाता है। ना बहुत फनी चीज़ ये है कि फूड पिरामिड जो है ना, वो दुनिया में हम अकेले ऐसे एनिमल्स हैं जिसको फूड पिरामिड पढ़ाया जाता है। चींटी को कोई पढ़ाता नहीं है फूड पिरामिड क्या है, पर चींटी वही खाएगी जिसको खाना है। हाथी को कभी कोई पढ़ाता नहीं तुम्हारा फूड पिरामिड क्या है, पर हाथी वही खाएगा जो खाना है। एग्जांपल तौर पे अगर मैं हाथी को चिकन दूँ खाने के लिए तो नहीं खाएगा वो, अगर मैं उसको गन्ना दूँ तो खा लेगा, अगर मैं शेर को गन्ना दूँ तो नहीं खाएगा वो, और चिकन दूँ तो खा लेगा। दोनों को पढ़ाया नहीं गया फूड पिरामिड के बारे में, पर दे न्यू इट, वी आर द ओनली वन जिसको पढ़ाया जाता है, और फिर भी हम कन्फ्यूज हैं, क्योंकि एक बोलता है कि मैं तो चिकन खाएंगे, एक बोलता है नहीं तो हम पनीर खाएंगे, एक बोलता है नहीं हम वीगन बनेंगे, एक बोलता है वेजिटेरियन बनेंगे। ह्यूमंस में कोई कॉमन नहीं है, है ना? हम अकेले से चीज़ें कॉमन ही नहीं, फूड का जगह जगह चेंज हो रहा है, पर हाथी आप कहीं भी ले जाओ वर्ल्ड में, क्या वो चिकन खाएगा कहीं भी? कहीं ऐसा है कि नहीं हाथी अफ्रीका का चिकन खाता है, इंडिया का नहीं खाता, ऐसा है क्या? या शेर जो है वो अफ्रीका में तो चिकन खाता है, इंडिया में घास खाता है क्या ऐसा? एनिमल्स का चेंज नहीं होता, हमारा चेंज होता है, राइट? तो देर इज सम प्रॉब्लम, राइट? कुछ तो प्रॉब्लम दिख रही है ना यहाँ पे, कुछ तो कहीं ना कहीं मिसिंग चीज़ है, कैसे कर सकता है? मिसिंग चीज़ ये है कि फूड पिरामिड ही गलत है। फूड पिरामिड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शेर को या गाय को या जबरा को या एलिफेंट को फूड पिरामिड कैसे पता चलता है? 5 senses से, तो हमको देखने के लिए, सूंघने के लिए, टेस्ट के लिए, टच के लिए और सुनने के लिए 5 senses मिले हुए हैं। जब मैं चिकन देता हूँ हाथी को, वो देखता है, सूंघता है, खाना नहीं मेरा ये, पढ़ने की जरूरत नहीं है। गन्ना दिया, वो देखेगा, सूंघेगा, खाना है मेरा। शेर को चिकन दिया मैंने, वो देखेगा, सूंघेगा, खाना है मेरा, वो नहीं खाना मेरा। बाय ओनली 5 senses दे डिसाइड देयर फूड, देयर इज नो अदर थ्योरी। एवरी एनिमल, चींटी से लेकर हाथी तक, बाय यूजिंग 5 senses दे डिसाइड व्हाट इज देयर फूड। एग्री ना? ठीक है, ह्यूमंस, अब सोचो कि आपको पॉइंट यहाँ बना के जाता हूँ मैं, ये जो सोचो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है वॉक करके, कार से नहीं साइकिल से नहीं, वॉक करके, ठीक है? एक रूट है इधर से, एक रूट है इधर से, दोनों रूट में कोई डिफरेंस दिख रहा है डिस्टेंस में या दूरी में? सेम है ना, मतलब सेम टाइम लगेगा। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर शॉप्स हैं और यहाँ पर भी शॉप्स हैं, दुकानें हैं। डिफरेंस ये है कि ये जितनी दुकानें हैं ना, यहाँ पर आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिक रहा है, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की दुकानें हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी मीट शॉप्स हैं, बिरयानी शॉप नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर, मीट शॉप्स।
मटन कट रहा है, मटन कट रहा है, हाँ रॉ मीट मटन कट रहा है, चिकन कट रहा है तो पूरे फ्लोर में ब्लड ब्लड होगा, यहाँ पे होते होता है ना, चिकन कट रहा है, बीफ कट रहा है, मछली कट रही है, तो दिस इज ऑल मीट शॉप्स, रॉ मीट शॉप्स, दिस इज ऑल रॉ वेजिटेबल शॉप्स, रॉ फ्रूट शॉप्स। नेचुरली अगर आपको ए सी बी में जाना है तो कौन सा रूट लोगे आप, ऊपर वाला नीचे वाला? मतलब सोचोगे नहीं इतना, अपने आप ही पैर उधर चले जाएंगे ना, इतना सोचोगे नहीं एनालाइज करके, इसे जाऊँ इसे जाऊँ कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, ये तो सोचोगे नहीं, नेचुरल कॉल आएगा इधर जाओ, क्यों आएगा? फाइव सेंसेस, हमारे सेंस उसी में जाते। आप इधर जाओगे आपको पूरे फ्लोर में ब्लड दिखेगा पड़ा मतलब पड़ा हुआ, किसको अच्छा लगता है ब्लड दिखा हुआ पड़ा हुआ जमीन पर? नहीं दिखता ना, आइज नो, जो स्मेल होती है मटन की दुकान की या बीफ की दुकान की किसको अच्छा लगता है? दो मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, हाँ तो जल्दी दो, दो मिनट में नो। अगर वो आपको एक रॉ मीट बिना प्लास्टिक के हाथ में पकड़ा देगा किसको अच्छा लगेगा? भैया आज प्लास्टिक नहीं दो, हाथ में दे दो, नहीं चलेगा ना, टच नो। व्हेन यू मैंने अभी डिमर कर दिया, नहीं उसमें टेस्ट तो चिकन में है नहीं, ठीक है आप रॉ मीट नहीं खा सकते पर आप रॉ वेजिटेबल बहुत सारी खा सकते हो, ठीक है लोग खाते भी हैं, लोग तो लेक के बाहर करेले का जूस और किस किस का जूस पीते रहते हैं, पी के हेल्दी भी होते हैं वो लोग, पर चिकन का जूस पिया कभी? नहीं मिलेगा है ना, आपके खुद एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है, पर मैं जब करेले का जूस पीता हूँ तो इतना नहीं खराब लगता है जितना चिकन का जूस सुन के लगता है, क्योंकि नेचुरली फूड पिरामिड जो है ना हमारे अंदर होता है, नेचर ने सबको दिया हुआ है, उसके बाद स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ जाता है, सोसाइटी आ जाती है, रिलीजन आता है, वो आपको बोलता है भैया आपका पिरामिड वो नहीं है, आपका ये ट्रैक लो आप इस पर जाओ, बट कन्फ्यूजन क्रिएट करता दिमाग में, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफरेंशिएट। तो अगर आप हेल्दी होना चाहते हो आपको आपका फूड पिरामिड सुनना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में कोई हाथी आज तक हार्ट अटैक से नहीं मरा, कोई शेर डायबिटीज से नहीं मरा, कोई जिराफ ब्लड प्रेशर से नहीं मरा, क्योंकि वो फूड पिरामिड को फॉलो करते हैं। हम सब बीमारियां हमारे अंदर, सारे अस्पताल इंसानों के लिए बने ना, डॉग्स के लिए अस्पताल बने हुए हैं, लेकिन वो डॉग जो आपके घर में रहते हैं, क्योंकि उनको भी आप एक कन्फ्यूजन करते हो पका हुआ चिकन का, तो जो डॉग डोमेस्टिकेट कर दी ना हमने, उनको हमने उनका रियल डाइट हटाई दिया है, उनको हम खिलाते हैं क्या वो क्या होता है पेडिग्री, जो पूरा प्रोसेस फूड क्या 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 गंदा गंदा मिला खिलाते हैं, तो अगर आप उनको खाना नहीं खिलाते, सड़क के जो कुत्ते होते हैं ना वो मरते हैं एक्सीडेंट से, और जो घर के कुत्ते होते हैं वो मरते हैं किडनी फेलियर से, तो इट्स वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड बट इट मे टेक टाइम फॉर यू, तो दैट वॉज अ हेल्थ एंगल टू अंडरस्टैंड योर फूड पिरामिड। कोई डाउट है इसमें? नहीं, डॉग्स कैट्स हमेशा वेजिटेबल्स के पास नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे, बिकॉज़ देयर सेंसेस ऑलवेज। अगर तो ये जो बोल रहा है कि यहाँ पर, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आप कहाँ जाओगे, आपने बोला इधर जाएंगे, अगर यहाँ पर एक डॉग होता वो किधर जाता? इधर जाता ना, डॉग इधर नहीं जाएगा, क्योंकि डॉग का रियल फूड पिरामिड ये है, वो मटन की दुकान में पूरा दिन खड़ा रहेगा जब तक उसको एक पीस ना मिल जाए, और हम 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं सकते, भाई जल्दी काली प्लास्टिक में घर जाके बनाना है उसको, राइट right? अगर आपके मटन के कौसा में अगर मटन कच्चा रह जाएगा आप खा नहीं पाओगे, तो ऐसा कैसे हम कार्निवोर्स या ओमनीवोर जो भी बोलते हैं, दुनिया में सिर्फ अकेला ऐसा कार्निवोर्स ओमनीवोर्स इंसान है जो बिना पका हुआ मीट नहीं खा सकता, जबकि कार्निवोर्स ओमनीवोर्स की डिफिनेशन ये होती है, दोज हु कैन ईट रॉ मीट एज वेल एज रॉ ओमनीवोर्स, अगर दोनों और कार्निवोर्स दो, वी आर द ओनली कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स सेल्फ गिवन टैग, बिकॉज हमारी कल्चर ने बनाया हुआ कि नहीं भाई हम तो पका हुआ खाएंगे, हम ओमनीवोर्स हैं। So this is one thing which I am trying to break. Now coming to second was for the compassion, touching compassion a little here. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मुर्गी और एक पिजन या एक पैरट कितना डिफरेंस होता तीनों में बायोलॉजिकली, अगर मैं मुर्गी काटूँ या पिजन काटूँ या पैरट काटूँ किसको दर्द ज़्यादा होगा? बराबर होगा ठीक है, दोनों ही तीनों ही अपने बच्चे देते हैं, घोंसला बनाते हैं, अंडा रखते हैं, बैठते हैं, करते हैं जाके। तो कंपैशन का मतलब ये है कि एक टर्म होता है जैसे रेसिज्म, सुना है आपने? रेसिज्म का मतलब क्या होता है? स्किन कलर के बेस में लोगों को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। आज से 300 साल पहले रेसिज्म वॉज नॉर्मल, एंड रेसिज्म जो था ना वो पढ़े लिखे लोग करते थे, अनपढ़ लोग तो उसके शिकार थे, पढ़े लिखे लोग फॉरेनर्स गोरी चमड़ी वाले वो ब्लैक वालों को उठा के लाते थे एशिया से अफ्रीका से
और उनको बोलते थे ये तो नौकर है, इसको इसकी चमड़ी उखाड़ देंगे अगर इसने ये काम नहीं किया जाएगा। क्या वो सही था? पर कर तो एजुकेटेड लोग रहे थे तो उसमें सोसाइटी में बोला गया था सही है वो। फिर आए नेल्सन मंडेला, फिर आए मार्टिन लूथर किंग, ऐसे लोग आए, उन्होंने बोला कि ये गलत है, वी ऑल आर इक्वल, रेसिज्म इज़ रॉन्ग, स्किन कलर डजेंट डिफाइन किसको मारो किसको नहीं मारोगे, बिकॉज वी ऑल हैव सेम इमोशन सेम फीलिंग। लड़ाई करी 100 साल 200 साल लड़ाई करी, तब जाके रेसिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, जीरो नहीं हुआ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है ना। अब स्पीसीज़म आ गया नया टर्म, स्पीसीज़म इज़ द सेम थिंग व्हेन यू से कि एक चिकन को मर के मेरे प्लेट पे आना पड़ेगा, पर एक पिजन आराम से मेरे घर में रहेगा, अब मैं उसको खाना खिलाऊंगा पानी पिलाऊंगा, अगर वो गलती से मर गया तो मैं 2 दिन रहूंगा। एक और एग्जांपल, बिकॉज मटन इज़ वेरी पॉपुलर इन कोलकाता, अगर मैं आपको आँख बंद करके और कान बंद करके ताकि आप सुन ना पाओ और देख ना पाओ, आपके पास एक बकरी लेके आऊँ या एक कुत्ता लेके आऊँ, आप बता नहीं पाओगे कि वो बकरी है या कुत्ता है जब तक आपको सुनाई नहीं दे जाए कि वो मैं कर रही है, या आपको दिखाई ना दे जाए कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उनके जो बायोलॉजिकल सारे चीज़ें ना, चार टांगे हैं एक पूंछ है, बच्चे पैदा करते दूध पिलाते हैं, सब सेम है। और कलकत्ता में हम लोग डॉग लवर्स तो बहुत हैं, मटन ईटर्स भी बहुत हैं। डिफरेंस क्या है स्पीसीज़म का, कि एक स्पीसीज को हमने रख दिया कैटेगरी में, इसको तो मरने दो, एक को बचा लो क्योंकि वो शायद स्पेशल है। पर अगर आप कभी देखा हो आपने, अगर आप कुत्ते के बच्चे को या बकरी के बच्चे को खिलाओ, दोनों की पूंछ ऐसे करती है, पूंछ भी दोनों की सेम स्पीड में भागती है, दोनों ही प्लेफुल होते हैं। बकरी का बच्चा जो रूम में होता है पूरा भाग भाग के पूरा परेशान कर देता है, और कुत्ते का भी कर देता है। इनफैक्ट बकरी बच्चे तो बहुत लोग प्यार भी करते हैं, ज़्यादा ही प्यार करते हैं बकरी को, ज़्यादा करते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, पर बड़े होते हैं उनको। तो इट इज़ देर इज़ अ डेफिनेशन कॉल्ड स्पीसीज़म, इस पर रिसर्च करिएगा और सोचिएगा कि क्या ये स्पीसीज़म आपको कुछ इंटरेस्ट कर रहा है। क्या रेसिज्म जब खत्म हुआ था तो एजुकेटेड लोग उसको पहले बोले नहीं नहीं होगा, नहीं चलना चाहिए चलना चाहिए। आजकल के वर्ल्ड में स्पीसीज़म को ख़त्म करने का ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स। अगर हम ओमनीवोर्स हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि हम लोगों को अभी तक यही पता है कि हम लोग ओमनीवोर्स हैं, है ना। ओमनीवोर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं आपको प्लेट में बिरयानी खिलाऊं, पहले तो बिरयानी खानी नहीं चाहिए ओमनीवोर्स को, पर स्टिल आई कंसीडर यू आर कुक्ड ईटिंग एडिक्टेड ओमनीवोर्स, मटन बिरयानी खिलाऊं। खाता है तो गोली के फॉर्म में बना दिया। हाँ, उनका उनका प्रोसेस फूड जबरदस्ती उसको खिलाया जाता है, जिसके अंदर तो चिकन खुद ही खाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको नहीं पता थी, जो मैं आज नया कुछ खोल रहा हूँ विंडो आपके लिए, कि चिकन हवा में नहीं पैदा होता है, चिकन बड़ा हो गया, चिकन को कुछ खिलाना पड़ता है। एक चिकन, आपको पता है कि जब चिकन को हम दुकान में ख़रीदते हैं तो कितने महीने या साल का होता है? कोई कुछ गेस मार दो, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गए, कितने साल महीने का होगा? हाँ, तीन चार महीने। एक्चुअली जो एज होता है, हाँ, जो एक चिकन का एज होता है, जिससे काफी मतलब 80% कम बच्चा चिकन को मैन्युफैक्चर कर उसको बड़ा किया जाता है फूड के लिए। थैंक यू, अगली बार तुम लेना ग्रेशन यहाँ पर मेरी ज़रूरत नहीं है। तो टेबल पकड़ो, क्योंकि शायद ये आंसर हिला सकता है आपको। 45 days, 45 दिन का होता है वो चिकन जब आप खाते हो उसको, 45 दिन के मतलब वो सही में बच रहा है, दैट्स वाई दे आर वाइट। चिकन वाइट नहीं होते, चिकन इज़ ए कलरफुल बर्ड, कलर होता है उसमें, बहुत सारे कलर होते हैं। हम जो खाते हैं वाइट खाते हैं क्योंकि वो चूज़े हैं, चूज़े वाइट होते हैं। पर 45 days में उनको ये तो खिलाया जाता है, इसके अलावा स्टेरॉइड, इसके अलावा हार्मोन्स ग्रोथ करने के लिए फास्ट इंजेक्शंस एंड अदर एंटीबायोटिक्स तो चिकन के अंदर का जो इंग्रेडिएंट है ना, चिकन क्या खाता है वो सब्जियां और दाल और ये सब के अलावा स्टेरॉइड, हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक। तो चिकन आपने इसके साथ ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, ठीक है। नाउ इन्वायरमेंट बात कर रहे थे ना हम, तो चिकन का जो फुटप्रिंट होता है ना, फुटप्रिंट बताया आपको, फुटप्रिंट किसी को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि ये पर्टिकुलरली अगर ये है इसको प्रोड्यूस करने में कितना वाटर लगा है, कितना ट्रांसपोर्ट में कार्बन लगा है, तो कार्बन फुटप्रिंट है, वाटर फुटप्रिंट है। तो चिकन का वाटर फुटप्रिंट बात करते हैं, वाटर फुटप्रिंट का, एक इंसान दिन में कितना लीटर पानी पीता है? हाँ, मिनिमम 4 लीटर है ना,
चार से छह लीटर पानी पीता है ना, नहीं बोलते तीन है, बोलते मिनिमम तीन है, बोलते तीन है, अच्छा है अगर चार पी रहे हो, पर एवरेज है चार, तीन चार है।